वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर इयान ने 2000 से भी ज़्यादा ऐसे छोटे बच्चों के मामलों पर रिसर्च करी है जिन्हें पास्ट लाइफ रिकॉल के या ऐसे ही कुछ मिलते जुलते अनुभव प्राप्त हुए हैं, और इनमें से जो बहुत से बच्चे थे उन्होंने जेनोग्लासी की झलक देखी गई। जेनोग्लासी एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अचानक से बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से किसी ऐसी विदेशी भाषा को जो उन्हें ना सिखाई गई है ना पढ़ाई गई है ना उनके परिवार में उस भाषा का प्रयोग होता है ना उनके आसपास में इस भाषा का प्रयोग होता है ना उनका कोई रिश्तेदार ऐसी भाषा बोलता है, लेकिन बच्चे अचानक से या कोई विदेशी भाषा या फिर अपनी ही भाषा बहुत शुद्धतम रूप में प्राचीन रूप में बोलना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे अन्य शहरों और उनमें रहने वाले कुछ परिवारों के विषय में बहुत सटीक जानकारियां भी देने लगते हैं। ऐसे परिवार जो उनसे सैकड़ों हजारों मील दूर हैं और बहुत सी घटनाओं का बहुत विस्तृत तरीके से, जैसे उन्होंने वो आंखों देखी घटनाएं हों, इस प्रकार से उन घटनाओं की व्याख्या करने लगते हैं। और ये घटनाएं अक्सर वो होती हैं जो उनके जन्म से भी पूर्व घटी हुई होती हैं। उनके जन्म से भी 10 या 20 वर्ष पूर्व जो घटनाएं घटी हैं उनको बड़े विस्तृत तरीके से वो उनका वर्णन करना शुरू कर देते हैं। और खास बात तो ये है कि ये बच्चे जिनका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, ये बच्चे ज़्यादातर पश्चिमी देशों के बच्चे हैं। ये यदि 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 ये बच्चे एशियाई बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की गई होती तो ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि हम भारतीय मूल में और तिब्बत में, भारत में और बहुत से ऐसे एशियाई भाग हैं जहाँ पर पूर्व जन्मों की थ्योरी को माना जाता है, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शायद बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं या पूर्व जन्म होते हैं, इस प्रकार की कोई शिक्षा दी गई है, इस कारण बच्चे इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिसर्च हुई है ये रिसर्च पश्चिमी देशों के बच्चों के ऊपर है जहाँ उन्हें पूर्व जन्म होते हैं या इस थ्योरी पर यहाँ बिलीव ही नहीं किया जाता, इस प्रकार के कुछ संस्कार उन बच्चों को नहीं दिए गए हैं। और डॉक्टर स्टीवेंस जिन्होंने इन मामलों को दर्ज किया है, इनके ऊपर रिसर्च करी है, उन्होंने इन सभी मामलों की बहुत जानकारी भी इकट्ठी करी है। खोजी दल द्वारा एक जांच पड़ताल भी की गई है और इन सभी बातों को, जो मामले उन्होंने दर्ज किए हैं, सत्य भी पाया गया है। और ये जो खोजबीन है ये पास्ट लाइफ रिकॉल का एक वैज्ञानिक प्रमाणीकरण है। इन बच्चों में, चूंकि ये बहुत छोटी आयु के बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों में विशेषता ये होती है कि इन्हें सम्मोहन में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही ये किसी नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हुए होते हैं। बहुत ही स्वाभाविक रूप से, जैसे कि वो वही हैं, इस रूप में उन्हें अपने पूर्वजन्म याद होते हैं, उन्हें इसके लिए किसी विशेष पद्धति का सहारा नहीं लिया गया होता। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक ऐसे छोटे बच्चे के केस का जिक्र किया जा रहा है जिसके माता पिता डॉक्टर स्टीवेंस के पास इस हैरानी और इस परेशानी के साथ आए थे कि पता नहीं किस तरह से उनका बेटा अचानक से फ्रेंच भाषा बोलने लगा था, जबकि ना तो वो खुद फ्रेंच जानते थे, ना ही उनके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मित्रों में या उनकी जान पहचान में कहीं कोई फ्रेंच बोलने वाला था। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उस बच्चे के साथ कभी वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हों। ये बहुत ताज्जुब की बात थी कि जिस उम्र में वो बच्चा उसमें सिर्फ 2.5 से 3 साल का था, बहुत ही छोटी आयु का बच्चा था, इस उम्र में जब उस बच्चे ने फ्रेंच भाषा बोलने लगी, तो जबकि इतनी छोटी आयु के बच्चे तो अपनी मातृभाषा को भी सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, और वो बच्चा फ्रेंच भाषा, जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, उस भाषा को बड़े अधिकार के साथ वो बोल रहा था। यहाँ एक विशेष बात ये थी कि उस परिवार में कई पीढ़ी पहले, 5-6 पीढ़ी पहले एक फ्रांसीसी व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य रह चुका था। तो जब उनके बच्चे ने फ्रांसीसी भाषा बोलनी शुरू करी तो वो समझ नहीं पाए, उनको लगा कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये कुछ अनुवांशिक स्मृति जैसा हो, क्योंकि 7 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले
उनके परिवार में एक सदस्य फ्रांसीसी था जिसका फ्रेंच भाषा पर पूरा अधिकार था। लेकिन जब डॉक्टर स्टीवंस ने इस मामले पर रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि ये मामला पूर्व जन्म की स्मृति का मामला था, और उन्होंने बताया कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये भाषा बच्चे ने किसी दूसरे जन्म में सीखी है, ये भाषा उसने इस जन्म में सीखी ही नहीं है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक केस जो डॉक्टर स्टीवंस के पास आया वो ये था कि एक महिला जो कि पेशे से वकील थी वो उनसे मिलने आई, क्योंकि उनकी 4 साल की बेटी जो कि बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ही थी, अचानक से उस बच्ची का, 4 साल की छोटी बच्ची का व्यवहार एकदम अजीब हो गया। उस बच्ची का व्यवहार इस हद तक अजीब हो गया कि उस महिला को उसके आसपास के लोग उस बच्ची को पागलखाने में भेजने की बात करने लगे। और इस अजीब व्यवहार की शुरुआत उस समय हुई जब उसकी माँ कुछ विशेष दुर्लभ किस्म के सिक्के, पुराने सिक्के खरीद कर लाई, और माँ बेटी बैठकर उन दोनों सिक्कों को देख रही थी, उनका मुआयना कर रही थी। तभी एक खास किस्म के सिक्के को देखकर वो बच्ची छिटक गई और उसने लपक कर वो सिक्का उठा लिया, और वो सिक्का अपनी माँ को दिखाते हुए वो बच्ची बोली, ये तो वही है ना मम्मी, आपको याद है जब मैं बड़ी थी और तुम एक छोटा लड़का थी, तब हमारे पास ये सिक्का था, और इस तरह के बहुत सारे सिक्के हमारे पास थे। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने दिन रात उस सिक्के को अपने साथ रखना शुरू कर दिया, और वो अक्सर उस समय की बातें करनी उसने शुरू कर दी जब वो बड़ी थी और उसकी माँ एक छोटा लड़का थी, तब वो क्या किया करते थे, उस समय वो कैसे खेला करते थे। जब उस बच्ची की ये हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब उसकी माँ अपनी बच्ची को डॉक्टर स्टीफन्स के पास इस आशंका से लेकर आई कि क्या उसकी लड़की का दिमाग चल पड़ा है, क्या वो पागल हो गई है। और जब डॉक्टर ने उन्हें ये बात समझाई कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि बच्ची को ना सिर्फ अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई हैं, बल्कि अब वो माँ बेटी किसी और चेहरे को, किसी और पहचानों के साथ वो अपनी माँ को देख रही है, और स्वयं को भी वो किसी और पहचान के साथ जोड़ रही है। सौभाग्य से उस बच्ची की माता को ये बात समझ में आ गई, और फिर बहुत जल्दी इलाज का सही तरीका अपना के वो बच्ची बिल्कुल सामान्य हो गई। ये जो लिस्ट है इस तरह के छोटे बच्चों की जिन्हें अपने पूर्व जन्म अचानक से, बिना सम्मोहन में गए, बिना किसी नियर डेथ एक्सपीरियंस के, अचानक से यूं ही उन्हें किसी वस्तु को देखकर या बिना किसी वस्तु को देखे भी अपने पूर्व जन्मों की याद आने लगी, इसी अवस्था को मेडिकल कंडीशन में जेनोग्राफी की अवस्था कहा जाता है। और इस तरह के अधिकतर केस बहुत छोटे बच्चों के मामलों में ही होते हैं। बड़ों के मामले में भी इस तरह के कुछ एक बहुत विरले केस हुए हैं जो बहुत कम हैं। इंडिया में भी कुछ एक केस हुए हैं लेकिन वो बहुत विरले हैं। अधिकतर ये केस बहुत छोटे बच्चों के मामले में ही होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों की याददाश्त अभी कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो पूर्व जन्मों की स्मृति पूरी तरह से लोप हो जाती है, इसीलिए ये केस जो होते हैं अधिकतर छोटे बच्चों के साथ ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते वो लोग ये तो कह सकते हैं कि इस बात की सत्यता का क्या प्रमाण है, लेकिन वो भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते कि एक बहुत छोटा बच्चा कैसे बिना सिखाए पढ़े कोई इतने अधिकार के साथ अन्य भाषा कैसे बोल पा रहा है, और एक 4 साल की लड़की उस बहुत पुराने समय के बारे में कहाँ से पढ़ेगी, खास तरह के सिक्कों के विषय में कहाँ से जानेगी। और इंडिया में ही एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक बच्चा जो कि राजस्थान में पैदा हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही, इसे जेनोग्लासी की अवस्था नहीं कह सकते क्योंकि वो बच्चा बचपन से कंटिन्यूसली ही ये बोलता था कि वो पंजाब प्रांत से ताल्लुक़ रखता है, इस परिवार से ताल्लुक़ रखता है। जब उसकी ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो माता पिता उसको पंजाब प्रांत के उस ज़िले में लेकर गए, उस घर में लेकर गए जिसका जिक्र वो करता था। वहाँ जाकर पता चला कि उस परिवार के बेटे का इस बच्चे के पैदा होने से कुछ महीने पूर्व ही उसकी हत्या की गई थी, एक पहाड़ी से उसे धक्का देकर उसका मर्डर किया गया था। उस बच्चे ने ना सिर्फ अपने हत्यारों को पहचाना बल्कि
उसकी हत्या कर्ज के लेन देन के मामले में हुई थी। उस लड़के ने कुछ कर्ज लिया हुआ था जिसे उसने चुकाना था, इस कारण जिन लोगों ने उससे कर्ज लेना था उन्होंने उसकी हत्या की थी। तो जिस कॉपी में उसने उस समय में जब वो उस पंजाबी फैमिली का हिस्सा था उस समय में उसने उस कर्ज का हिसाब किताब लिखा हुआ था, उस कर्ज के हिसाब किताब की जो बुक थी उसके विषय में परिवार का कोई सदस्य जानता भी नहीं था, लेकिन वो बच्चा जानता था कि वो कॉपी कहाँ रखी है जिसमें उसने उस हिसाब किताब का जिक्र लिखा हुआ है। ये बड़ी खास बात थी कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा जो कि राजस्थान की एक फैमिली से ताल्लुक रखता है और पंजाब के किसी अननोन फैमिली के, उसने उस कॉपी को भी निकाल के दिखा दिया जिसमें उसने उस समय पर जो हिसाब किताब दर्ज किया था अपने लेन देन का जिसके कारण उसकी हत्या हुई थी। उसने अपने हथियारों को भी पहचान लिया, लेकिन जैसा कि कानूनन इनके आध्यात्मिक रूप से जो इस प्रकार के केस हुए हैं पुनर्जन्मों के आधार पर कानून फैसला नहीं देता, कानून सबूतों के आधार पर फैसला देता है। फिर इस केस की एक बार फिर से जाँच की गई, पुलिस इंक्वायरी एक बार फिर से हुई और इस बार उस बच्चे ने उस स्थान को दिखाया, उस उन उन लोगों को पहचाना और वो किस प्रकार से, क्या रीज़न था, कैसे उसे धक्का दिया गया था, कैसे उसे उस स्थान पर ले जाया गया था, क्या उसे बोला गया था, कहाँ पर वो था जहाँ से उसको बाइक पर बिठाया गया और उस स्थान पर ले जाया गया, ये सब उसने बहुत अच्छे से डिटेल में वर्णन किया। और उसके बाद जब पुलिस इंक्वायरी हुई तो ये सारी बातें सत्य साबित हुई। और बाद में चाहे कानून इस पुनर्जन्म की थ्योरी के आधार पर कोई फैसला नहीं सुना सकता था, लेकिन जब कानूनी जांच में ये बातें स्पष्ट हो गईं तो उस आधार पर उनके हत्यारों को सजा हुई, क्योंकि कानूनी रूप से फिर सबूतों के आधार पर उस पंजाबी लड़के की जो हत्या हुई थी उस लड़के के हत्यारों को सजा दी गई। यदि आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको एक 3 वर्षीय बालक का भी एक केस मिलेगा जिसमें वो तस्वीरों के आधार पर ही, सिर्फ तस्वीरें देख के ही पुराने लड़ाकू जहाज़ों को न सिर्फ पहचान लेता है जो कि दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे, बल्कि वो ये भी बता देता है कि वो किस जहाज़ को किस तरह उड़ाया जाता है और वो उन जहाज़ों की जो बहुत बारीकी है, बहुत बहुत तकनीकी जानकारी है, उन विशेषताएँ क्या हैं उन विमानों की, उनमें क्या क्षमताएँ हैं, इस बारे में भी वो बहुत विशेष जानकारी रखता है। और जब उस बच्चे से ये पूछा गया कि वो इतनी सारी बातें 3 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी बातें कैसे जानता है, तब उसने बताया कि जब वो बड़ा था तब वो ये जहाज उड़ाया करता था। यानी इस तरह के सैकड़ों हजारों मामले मौजूद हैं, कुछ तो पन्नों पर दर्ज हैं, कुछ के ऊपर रिसर्च की गई है, जाँच पड़ताल की गई है, कुछ इस प्रकार से डॉक्टर्स के पास पहुँचे हैं और कुछ नहीं पहुँचे हैं, कुछ सिर्फ बच्चों के जहन तक ही रह गए हैं और आयु बढ़ने के साथ साथ वो यादें धूमिल हो गईं, उनके ऊपर ना जांच की गई और ना ही कभी उन्हें इस नज़रिए से चेक किया गया। इस विषय में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हैं। कभी अपने परिवार के किसी छोटे से, यदि वो थोड़ा बहुत बोलने की क्षमता रखता हो बच्चा, 2.5-3 साल की अवस्था का बच्चा हो, उस बच्चे से पूछ के देखिए कि क्या उसे उस समय के बारे में कुछ याद है जब वो बड़ा था या जब वो बड़ी थी। हो सकता है आपको भी कुछ लाजवाब करने वाले उत्तर प्राप्त हों। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर इयान ने 2000 से भी ज़्यादा ऐसे छोटे बच्चों के मामलों पर रिसर्च करी है जिन्हें पास्ट लाइफ रिकॉल